हीटर में जा रहा हूँ, ये रहा मेरा प्लग इन, ये प्लग इन आपको मिल जाएगा। जैसे खुल जाएगा यहाँ पे ऑटो लिखा हुआ है जो ब्लैक पॉइंट, इसको क्लिक करें। यहाँ पे ऑटो वाइट पॉइंट, इसको भी क्लिक कर दें। फिर यहाँ पे जो चेहरा बना हुआ आ रहा है इस पर जस्ट क्लिक करें। उसके बाद इसके चेहरे पे जस्ट आपको क्लिक कर देना है, ये देखो। उसके बाद कर दो आप इसको ओके, काम आपका हो गया फिनिश। अब आप, मैं इन दोनों फ़ोटो को बड़ा करके दिखा रहा हूँ आपको। ये देखो इसका चेहरा और ये है पहले वाले का चेहरा। अब आप बताओ, आप खुद ही आप बताओ, अब आप खुद डिसाइड करो कि कौन सा कलर करेक्शन बेस्ट है। या आप जो 3-4 बार बटन दबा के कलर करेक्शन करते हैं वो बेस्ट है कि ये बेस्ट है। ठीक है चलो कोई नहीं, नेक्स्ट फोटो में काम करते हैं। इसको मैं काट रहा हूँ, इसको काट रहा हूँ। जब आप फोटो खींचते हैं ना तो लगभग 3 टोन में आती है, या तो येलो टोन में, या फिर ब्लू टोन में, या फिर रेड टोन में आ जाती है ज़्यादातर। तो अब की बार मैं चलो रेड टोन में काम करके दिखाता हूँ। ये रेड टोन की फ़ोटो है, ज़्यादा देख रहे हैं ना चेहरे पे कितना रेड टोन चला हुआ है। इतना थोड़ी ना नेचुरल कलर होता है, छोटा कर रहे हैं। ओह सॉरी, अब मैं इसका एक डुप्लीकेट बना रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। मैं चल रहा हूँ फिर से फिल्टर पे और अपने प्लगइन पे, प्लगइन पे चलो यहीं रहने देते हैं। ये वापस इस दोनों को मैं सेलेक्ट करूँगा, फेस को सेलेक्ट करूँगा, जस्ट क्लिक करूँगा और ओके करूँगा। अब मैं दोनों का चेहरा बड़ा करके दिखाता हूँ। ये देखो इसका चेहरा, अब इसका चेहरा देखो। ठीक है अब आप देखो कौन सा बेस्ट है। ठीक है चलो अब ब्लू वाले पे करके दिखाते हैं। ये मैंने ब्लू वाला भी उठा लिया, छोटा कर देते हैं। इसका भी डुप्लीकेट बना लेता हूँ, ये डुप्लीकेट साइड में रख दिया, ये ओरिजिनल। अब मैं चल रहा हूँ फिल्टर में, पिक्टो कलर, ये यहाँ दबाया, यहाँ दबाया और फोटो पे क्लिक किया और चेहरे पे क्लिक कर दिया और ये ओके। अब आप देखो, बड़ा करूँ, ये देखो इसको बड़ा करूँ, ये देखो। अब आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या बताने जा रहा हूँ, किस चीज़ के ऊपर वीडियो। मतलब कि जो आपकी फ़ोटो ख़राब कलर में खिंच गई है उसको ठीक करने का बहुत ही आसान तरीका, बहुत ही बढ़िया प्लगइन्स हैं। ये डाउनलोड होगा, इसको जस्ट डबल क्लिक करेंगे, नेक्स्ट मतलब यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे, ओके करेंगे। पहले से एक्सट्रैक्ट है मेरा, ओके मतलब एक्सट्रैक्ट होने के बाद आपका यहीं कहीं पर आ जाएगा फोल्डर, ये ना मेरा ये आ गया। जस्ट डबल क्लिक करेंगे, यहाँ डबल क्लिक करेंगे, सबसे पहला वाला इस पर डबल क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे दो फाइल्स हैं, दो प्लगइन हैं, एक तो 32 बिट पे, एक 64 में। जो भी आपका सिस्टम है तो आप उसको कॉपी करें। मेरा 64 तो मैं 64 कॉपी कर रहा हूँ, राइट क्लिक कॉपी। कॉपी करने के बाद इसको मैं मिनिमाइज़ करता हूँ, बंद नहीं करूँगा क्योंकि इसका काम है। मैं अपने फ़ोटोशॉप में चलता हूँ, सी ड्राइव में, या फिर अपना जो फ़ोटोशॉप आपने जो रखा हुआ है उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, फाइल, ये ओपन फाइल लोकेशन पर जाएंगे। आने के बाद ऊपर करें, आपको मिल जाएगा ये प्लगइन्स, प्लगइन्स के बाद आपको मिल जाएगा फ़िल्टर। ओके फिल्टर में यहाँ पर जस्ट आपको पेस्ट करना है, ये मेरे पास ऑलरेडी है तो आप इसको डाल दें। डालने के बाद कुछ नहीं आपको करना, फ़ोटोशॉप ऑन करना है। आप अपना प्लगइन्स को जाइए, ऑन करिए, खुल जाएगा। तो जैसे ये खुलेगा ना, मेरे पास तो ये ऑटोमेटिकली खुल गया है, लेकिन आपके पास ये ऑटोमेटिकली ऐसे नहीं खुलेगा, आपको पासवर्ड मांगेगा। ठीक है जो रही पासवर्ड की बात, आपको पासवर्ड कैसे मिलेगा? तो पासवर्ड भाई यहीं पर है, ये इसको सॉरी कहाँ फोल्डर मेरा खुला हुआ था, ये रहा, यहाँ से आप बैक कर लो। ये रहा सीरियल नंबर, ये जो नीचे वाला है इसी को आपको पेस्ट मारा, रजिस्टर हो जाएगा, ज़िंदगी भर आप यूज़ कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं।